जी मैडम जी, आरा शहर और विषय आपका स्वास्थ्य में दांत है और आपने अभी हाल ही में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया, भोजपुर वासी को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर सृष्टि रोज, एडवांस डेंटल क्लिनिक जगदेव नगर की तरफ से सभी भोजपुर वासियों को मेरा नमस्कार और बहुत सारी बधाई। मैं भोजपुर वासियों से ये चाहती हूँ कि वो दांतों के प्रति बहुत जागरूक रहें, क्योंकि दांतों से ही सारी बीमारियों का जो जड़ होता है, जो शुरुआत होता है, वो दांतों से ही होता है। स्वस्थ दांत, स्वस्थ मुंह ही जो है वो स्वस्थ शरीर की पहचान होती हैं। ऐसे बहुत सारे जो गंभीर बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि एड्स, उन सब के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, जो शुरुआती लक्षण जो होते हैं, वो दांतों और मुंह को ही देख के भी पता चल जाते हैं। तो कैसे क्या होता है कि जो शुरुआती लक्षण में अगर आप उसे पहचान लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाते, तो उनका अगर ट्रीटमेंट वहीं से फॉलो किया जाए तो वहीं पर वो उन्हें रोका जा सकता है। मैडम जी, एक कॉमन बीमारी देखने को मिलती है जिसको लोग खोड़ला बोलते हैं, हाँ। वो कितनी गंभीर हो सकती है और कैसे शुरुआत होती है, उसको कैसे बचा जाए? अगर खोड़ना जो बीमारी है, अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे जो भी रहते हैं बैक्टीरिया, वो पूरा नीचे तक मसूड़ों तक जाते हैं, फिर मसूड़ों से सीधे हड्डी तक, और कभी कभी ऐसा था कि इन्फेक्शन जब हड्डी तक पहुंच जाता है तो ये स्थिति आ जाती है कि वो हड्डी को भी गला देता है। और उस टाइम पे लोगों को कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, तो जो कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जिसे हम लोग लुडविक एंजिना कहते हैं। तो इसलिए हमें जो खोड़ा की जो बीमारी है उसे हम लोग को जल्द ही उसे ठीक कर लेना चाहिए, जो भी उसका आरसीटी जो ट्रीटमेंट होता है या फिर कोई फीलिंग होता है उसे करा लेना चाहिए। नहीं तो जो बीमारी अगर जबड़े तक पहुंच गई तो जबड़ा टूट भी सकता है और फिर उन्हें आईसीयू में एडमिट भी होना पड़ सकता है। मामा, एक और भी समस्या आती है, जैसे किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या है? अगर जो दांत जो भी बच्चों के टेढ़े मेढ़े होते हैं उनके बचपन में ही इलाज किया जाए तो बहुत बहुत सही से और आसानी पूर्वक हो जाता है। टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज यही है कि उन्हें पिन लगा करके और फिक्स पिन लगा करके ट्रीट किया जाए। ये इलाज 1.5 से 2 साल तक चलता है, जिनका मतलब किस कहाँ तक मतलब टेढ़े मेढ़े, अगर हल्के टेढ़े मेढ़े दांत है तो 1 साल में उनका ठीक हो जाता है, लेकिन जिनके ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं उनका 2 साल तक फिक्स ट्रीटमेंट दांतों का चलता है, फिर वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह एकदम खूबसूरत जो रहता है वो स्माइल उनका बन जाता है। जी, जहाँ तक बात करें शरीर की, तो शरीर की सबसे खूबसूरती दांतों से ही होती है, और गांव में या कहीं भी ज्यादातर लोग जो मंजन का यूज करते हैं या पेस्ट का यूज करते हैं, समझ नहीं पाते किस तरह का मंजन, किस तरह का पेस्ट यूज करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। दांतों के लिए भी जो भी आप मंजन या जो भी पेस्ट यूज कर रहे हैं उन्हें 2 मिनट से ज्यादा नहीं करें, और जब भी करें हल्के हाथों से करें, 2 मिनट से तो ज्यादा बिल्कुल ही नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि दांत में बहुत गंदगी बैठ गई है, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, इतनी भी ज्यादा गंदगी नहीं होती। 2 मिनट से ज्यादा कभी ब्रश नहीं करना है, और सुबह में और रात में 2 टाइम जरूर ब्रश करना है। जी, जैसे मंजन लोग यूज करते हैं, लाल मंजन या पेस्ट या बहुत सारे पेस्ट के प्रोडक्ट भी आ गए, बहुत सारे लोगों के बीच में एक बात रह जाती है कि आखिर क्या यूज करें, कैसे यूज करें? मंजन से तो ज्यादा फायदेमंद जो बेनिफिशियल वो पेस्ट ही होता है, मंजन को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि मंजन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उससे जो दांत होते हैं ना, वो ज्यादा यूज करने पर आप मतलब सालों यूज कर रहे हैं जो मंजन, तो घिसने लगते हैं साइड में। तो मंजन से हम लोग प्रेफर टूथपेस्ट को ही करते हैं, बाकी वो कौन से टूथपेस्ट यूज करते हैं वो उनका अपना पर्सनल च्वाइस होता है। जी मैडम जी, उद्घाटन तो अभी हुआ है हॉस्पिटल का, लेकिन आप दांत का जो विषय है इससे बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। अभी तक आपने क्या देखा, कौन सी बीमारियां ज्यादातर लोगों में पाई जाती हैं? जो भी दांत से जो सबसे ज्यादा बीमारियां लोगों में जो देखी जा रही है, वो एक तो पायरिया है। पायरिया के प्रति लोग थोड़े जागरूक भी हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है। पायरिया का यही इलाज है कि दांतों की सफाई अपने डेंटिस्ट से मिले हर 6 महीना पर, और साल में तो 2 बार दांतों की सफाई जरूर ही करा लें। जी, क्या दांत की बीमारी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, जो मुंह का जो कैंसर होता है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर होते हैं उसमें जो मुंह का जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा होता है, और इंडिया में तो और भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू सेवन और भी जो भी चीजों का सेवन किया जाता है उसको यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो मुंह का कैंसर से मौत भी बहुत ज्यादा होती है।
और लोग ये ऐसा हैबिट बन जाता है तंबाकू सेवन करने का कि लोग उन्हें छोड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये छोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो तंबाकू जो भी लोग यूज करते हैं, ऐसा रिसर्च किया गया है कि होने वाले 10 सालों में उनका तो मतलब 100 में से 98 लोगों को ये कैंसर की बीमारी पकड़ ही लेती है। मैडम, ये दांत का विषय जो है आपके साथ, लोग यही समझते हैं कि दांत की डॉक्टर है, लेकिन दांत के अलावा और क्या क्या मसूड़ों में, जीभ में या तालू में इस तरह की कोई बीमारी? जी, यहाँ दांत जो है, दांत और मुंह दोनों का ही इलाज होता है। तो दांत के अलावा आपका जो भी सफेद काले धब्बे जो भी रहते हैं, मसूड़े में सूजन जो रहती है, या फिर तलवा भी रहता है किसी का, ये कटा भी रहता है, जो होठ कटा रहता है, वो सब का भी इलाज होता है। वो सभी डेंटल सर्जन ही करते हैं वो सारी चीजें। और बहुत सारे सिस्ट होते हैं, बहुत तरह के होते हैं मुंह के, उन सभी चीजों का इलाज होता है। चलते चलते पूरे भोजपुरवासी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं भोजपुरवासियों से यही कहना चाहूंगी कि वो अपने दांत और मुंह की सफाई के प्रति बहुत जागरूक रहें, क्योंकि कोई भी बीमारी जो होती है उसका जो जड़ होता है वो मुंह और दांत ही से होता है। तो अगर आपका दांत स्वस्थ रहेगा, मुंह स्वस्थ रहेगा, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जी मैडम, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर सृष्टि रोज, एडवांस डेंटल क्लिनिक जगदीनगर।